पक्षियों को उड़ते देखा तो प्लेन बनाने की प्रेरणा मिली, लेकिन अब इंसान खुद उड़ रहा है। जी हाँ, आपने कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें इंसान खड़े खड़े उड़ने लगता है। नहीं देखा तो ये देख लीजिए। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक युवक ने शेर के ड्रेस में उड़ने वाला डांस करके लोगों की खूब तालियां बटोरी। यह कोई जादू नहीं है, सच में ऐसा अब संभव हो गया है। फ्लाइंग मशीन हकीकत बन चुका है। कई पश्चिमी देशों की सेना इस तरह के जेट पैक सूट पर शोध कर रही हैं, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। यूके मरीन ने तो चलते स्पीड बोट से क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर चक्कर लगाने का वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में देखा गया कि इंसान अपने हाथों और पीठ पर जेट पैक लगाकर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ते नजर आए। इसके साथ ही वो समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज तक जा सकते थे। अब भारतीय सेना इसका इस्तेमाल करने जा रही है। दरअसल वक्त के साथ चुनौतियां बढ़ीं तो साइंस ने भी नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। सैनिकों के लिए एक झटके में दर्जनों गोलियां बरसाने वाले गन तैयार हुई, तो महीनों कूल रखने वाले ड्रेस और हेलमेट हमारे पास है। अब दुनिया भर के देश फ्यूचर आर्मी तैयार कर रहे हैं, भारत भी पीछे नहीं रह सकता, इसलिए सेना जेट पैक सूट खरीदने जा रही है। जेट पैक सूट जैसा नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा सूट जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। आयरन मैन की स्टाइल वाले इस सूट की बाजार में कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि यह किस रेट पर सूट खरीदा जाएगा। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकेंगे। भारत के साथ आज चुनौतियां बढ़ रही हैं। पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इधर चीन डोकलाम, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दुस्साहस कर रहा है। ह्यूमन फ्लाइट स्टार्टअप ग्रेविटी जैसी कंपनियां सेना के लिए ऐसे सूट तैयार कर रही हैं। इंडियन आर्मी ने ऐसे ही सूट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। सेना 48 जेट पैक सूट खरीदने जा रही है, मतलब फिल्मों की तरह बॉर्डर पर तैनात सैनिक भी विषम परिस्थितियों में उड़ते दिखाई देंगे। सेना ने साफ कहा है कि इसे भारतीय वेंडर के जरिए ही खरीदा जाएगा। एक कंपनी ने बताया कि इस तरह के सूट में 5 गैस टरबाइन जेट लगे होते हैं, जो करीब 1000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करते हैं। यह सूट जेट फ्यूल डीजल या केरोसिन से भी चल सकता है। यूजर अपने हाथों के मूवमेंट से जेट पैक को दिशा दे सकता है। फायदे के हिसाब से समझिए तो पहाड़ी क्षेत्र हो, रेगिस्तान, बर्फीला या फिर दुश्मन से मिली चुनौती के समय, ऐसे सूट जवानों की मोबिलिटी को क्रांतिकारी रूप में बदल देंगे। संभव है कि दुश्मन की अचानक हरकत पर फौरन कमांडो जुड़कर जवाब देने की स्थिति में पहुंच सकें। इस सूट का वजन 40 किलोग्राम तक होगा। इसमें सिस्टम कुछ इस तरह से होगा कि जवान जब चाहे उड़ सके और लैंड कर सकते हैं। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि जेट पैक सूट पहनकर इंसान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 5 मिनट तक जवान धरती से ऊपर उड़ सकेंगे। माइनस में तापमान हो या 45 डिग्री वाली तपती धूप में भी यह सूट अच्छी तरीके से काम करता रहेगा। यह 80 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठा सकता है। इसके साथ ही तैयारी किस स्तर पर चल रही है, इसे ऐसे समझिए कि सेना अब रोबोटिक म्यूल यानी कि रोबो खच्चर भी खरीदने का प्लान बना रही है। नहीं, यह जानवर नहीं होगा। इसका नाम रोबो खच्चर इसलिए है क्योंकि यह ऐसी मशीन होगी जो खच्चर का काम करेगी। दरअसल सेना अभी रसद आपूर्ति एवं दूसरे चीजों को लाने ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करती है। ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में परिवहन का दूसरा साधन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेना अब 100 रोबो खच्चर खरीदने जा रही है। यह भी स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। यह रोबोट भी जानवर की तरह 4 पैरों वाले ही होंगे। बताया गया कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर होगी। इस मशीनी खच्चर का वजन 60 किलोग्राम तक होगा। इसे 4000 मीटर की ऊंचाई में इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक रोबो खच्चर करीब 10 साल तक चलता रहेगा, मतलब फ्यूचर आर्मी की तैयारी जोरों पर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे बॉर्डर पे जो चैलेंजेज हैं उसमें यह तकनीक अच्छा साबित होगी या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।